जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 23 अप्रैल मंगलवार का दिन, चैत माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, आज मंगल का राशि परिवर्तन और हनुमान जयंती, दिन आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। मंगल 23 अप्रैल को 8:19 पर राशि परिवर्तन करेंगे शनि को छोड़कर। अब मंगल का गोचर शुक्र राहु बुध के साथ होगा, आपके लिए समय शुभ रहेगा क्योंकि बृहस्पति सूर्य के साथ गोचर कर रहा है और 9:19 के बाद चंद्रमा के साथ समसप्तक योग बना रहा है। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, ग्रहों की स्थिति जीवन में शुभता की वृद्धि कर रहा है। जीवन में स्थिरता अपनी योग्यता साबित करने का अच्छा अवसर मिलेगा। शुक्र उच्च का होकर गोचर कर रहा है और आज राहु बुध के साथ आपकी जीवन में अनेक प्रकार के सुख सौभाग्य लेकर आया है। आज चित्रा नक्षत्र है, रात 10:32 तक मंगल स्वामी है वज्रयोग में चित्रा नक्षत्र में। जब दिन की शुरुआत होगी आपके लिए दिन बड़ा शुभ साबित होगा। रात्रि 10:32 के बाद स्वाति नक्षत्र का उदय होगा और राहु के प्रभाव से आप प्रभावित हो जाएंगे। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्म दिवस है, चैत्र माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, हनुमान जी का जन्म उत्सव और हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन में सुख सौभाग्य धन और अपार सफलता का सुंदर योग है। आज आप हनुमान जी को गुड़ चना का भोग लगाएं, सिंदूर और चमेली के तेल से उनका अभिषेक करें, तुलसी की माला हनुमान जी को पहनाएं, लाल चोला हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जीवन की सारी संकट, सारे बाधा, सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहे को डरना। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी जीवन में दिन बड़ा शुभ साबित होगा। आपकी जीवन में बड़ा परिवर्तन और परिवार में सुख तरक्की आप देखेंगे। आज आपकी कुंडली में शुक्र मंगल राहु बुध की युक्ति, केंद्र का स्वामी इस समय बुध आपकी कुंडली में बड़ा ही शुभ अवस्था में गोचर कर रहा है। अधूरी इच्छा को पूरा करने वाला, जीवन में सौभाग्य को जगाने वाला शुक्र उच्च का होकर तरक्की का रास्ता खोल रहा है। वहीं आपकी कुंडली में बृहस्पति का सूर्य के साथ गोचर करना व्यापार में नौकरी में वृद्धि का योग बना रहा है। सुख समृद्धि बढ़ेगी, सौंदर्य सुख से प्राप्त होगा, सूर्य साहस शक्ति स्वाभिमान को जगाएगा और केतु सामर्थ्य और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। नौ ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में बड़ा बेहतर है, सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति लाभ का योग। मंगल के राशि परिवर्तन करते ही आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे, किस्मत आपकी चमक उठेगी और शुभ समय की शुरुआत हो जाएगी, जो आपके जीवन में खुशहाली भी लेकर आएगा, आपके संबंध को मधुर बनाएगा। नौकरी व्यापार की स्थिति अच्छी होगी, आज आप भाग्य के धनी, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली साबित होंगे क्योंकि शुक्र आज उच्च का होकर गोचर कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को निखार रहा है। आपकी पर्सनालिटी से दूसरे लोग इंस्पायर होंगे, भाग्य के बदौलत सुख समृद्धि आप पाएंगे।
जीवन की ऊंचाइयों पर आप पहुंचेंगे। साहस मंगल से बढ़ेगा। व्यक्तित्व का आकर्षण शुक्र देगा। भाग्यशाली बृहस्पति बनाएगा। राहु बड़ा बलवान है, शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। बुध भी राहु के साथ है तो महत्वाकांक्षा भी जागेगी और महत्वाकांक्षा पूरी भी होगी। भाग्य बलवान है। धन के साथ शोहरत इज्जत आपकी बढ़ेगी। धन सुख के साथ सौंदर्य भी बढ़ेगा। खूब सफलता हासिल करेंगे। तेजस्वी उत्साही चतुराई से काम करते हुए नौकरी व्यापार में भरपूर धन कमाएंगे। जीवन में बड़ा बदलाव भी होगा और स्टूडेंट के लिए उत्साहजनक परिणाम आपकी इच्छा को पूरा करने वाला, आपके करियर में तरक्की का योग बनाने वाला, चिंता और मन की उलझनों से छुटकारा देने वाला आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। वज्र योग में जब दिन की शुरुआत होगी तब आपके आत्मविश्वास और मजबूत होंगे। शुभ समय की शुरुआत जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आती है। सौगात आपके जीवन में बढ़ता है और धन का लाभ होता है। ऐश्वर्य वैभव का प्रतीक सुख सफलता देने वाला आज का दिन चंद्रमा और मंगल का प्रभाव आपके लिए काफी उत्साहजनक रहेगा। दो बातों का ध्यान रखें। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें। दोपहर 3:36 से शाम 5:14 राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें। अगर अपने जीवन में ज़्यादा धन सुख सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आज आप पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करें। प्रभावशाली जीवन होगा। दांपत्य जीवन अच्छा होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। संपत्ति उन्नति के लिए समय शुभ है। जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। एक नई शुरुआत आपको सुखी बनाएगा। धन की कमी आपकी दूर होगी। जरूरी काम आपके सफल होंगे। शक्ति समृद्धि परिवार की स्थिति को और बेहतर बनाएगा। दिन आपके लिए सौभाग्यशाली है जो सुख देगा। संपत्ति का योग बनाएगा। अमृतकाल आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। वहीं विजयी मुहूर्त 2:30 और साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त 4:20 से जब दिन की शुरुआत होगी तो दिन आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला, जीवन में सौभाग्य का सुख देने वाला, इच्छा को पूर्ण करने वाला भाग्यशाली दिन मांगलिक कार्य का सामर्थ्य देगा। आज का दिन बड़े बदलाव और कष्टों का अंत होने वाला है। जीवन में अनेक प्रकार का सुख है। सौभाग्य की आप प्राप्ति करेंगे। मान सम्मान आपको मिलेगा।